press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम समस्त मनोकामना पूर्ति हेतु महाटोट के आपको बता रहे हैं, जिससे आपका साल 2018 सफल हो जाए और आप सफलताओं की आसमान छुए। साथ ही हम आपको बोनस भी दे रहे हैं, जिसमें हम आपको समस्त दोष निवारण के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, जीवन में स्थिरता, प्रगति एवं सुख समृद्धि के लिए इस राशि वाले जातकों को प्रतिदिन माता लक्ष्मी के सामने गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाना चाहिए। नंबर दो, यदि किसी भी कार्य में सफलता एवं स्थिरता नहीं मिल रही हो तो आप घर में मनी प्लांट का पौधा बुधवार के दिन लगाएं। नंबर तीन, यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में जटायुक्त नारियल बांधकर उसे बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित करें। नंबर चार, जीवन में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय को आटा खिलाना भी लाभदायक रहेगा। नंबर पाँच, यदि आप धन समृद्धि पूर्ण जीवन के अभिलाषी हो तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में कुछ रुपए बांधकर पूजा घर में रख दें, तथा जब रुपए इकट्ठे हो जाएं तो उसे किसी हनुमान मंदिर के निर्माण में दान स्वरूप दे दें। नंबर छह, यदि आप अकस्मात धन प्राप्ति के इच्छुक हो तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में गोघृत का आटे का बना दीपक जलाएं। दीपक में आपको चार बत्तियां प्रज्वलित करनी चाहिए। नंबर छह, यदि धन प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हो तो नौकरी या व्यवसाय के लिए घर से निकलते समय मुंह मीठा करें। नंबर सात, आपको अपने पूजा घर या साधना कक्ष के लिए दीवारों को हरा रंग करवाना चाहिए। नंबर आठ, यदि आर्थिक परेशानियां चल रही हो तो इनसे बचने के लिए दीपावली के दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाना चाहिए। नंबर नौ, यदि आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो दीपावली के दिन रात्रि में लक्ष्मी पूजन के समय कमल गट्टा लक्ष्मी चरणों के समीप रख दें, तथा पूजन के उपरांत उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर लाल वस्त्र में बांधकर रख देना चाहिए। नंबर 10, यदि लाख प्रयत्नों के बावजूद आमदनी नहीं बढ़ रही हो तो शुक्रवार के दिन सात कन्याओं को खीर आदि सफेद एवं मीठी वस्तु खिलानी चाहिए। यह प्रयोग बिना बताए करना चाहिए। नंबर 11, व्यवसाय में वृद्धि हेतु आपको वट वृक्ष के पत्र पर यह मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः सिंदूर एवं घी के मिश्रण से बनाना चाहिए, तथा उस यंत्र को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दीपावली के दिन यह प्रयोग शीघ्र प्रभाव देता है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा दोष निवारण के उपाय, जिससे आपका साल सफलताओं से भर जाए। तो सबसे पहला है, शुक्रवार के दिन भुने हुए चने शहद लगाकर मोर को खिलाएं। नंबर दो, शुक्रवार के दिन मावे की मिठाई रोटी में डालकर गाय को खिलाएं। पांच शुक्रवार धर्म स्थल पर दूध मिश्री व सफेद फूल अर्पित करें। नंबर तीन, आप तुला राशि का पिरामिड उपयोग करें। नंबर चार, आप खाने में प्रायः सफेद वस्तुओं का उपयोग करें। नंबर पाँच, सफेद गाय या एकाक्षी यानी कि एक आंख वाले किसी जीव को यथाशक्ति खीर या चावल शक्कर सहित पदार्थ प्रदान करें। नंबर छह, शुक्र के लिए चांदी, सोना, चावल, घी, सफेद वस्त्र, चंदन, हीरा, दही, चीनी, गौ तथा भूमि ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। नंबर सात, आप कामदेव साधना, वशीकरण साधना, तंत्र सिद्धि साधना, कापालिक साधना व कुबेर साधना करें, लाभदायी रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी है। मित्रों, देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए मोटू लाला। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।